Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Yesterday we will discuss about your first chapter, the solar system and the earth. कल अपन ने अपने solar system यानी कि सूर्य परिवार के बारे में discuss किया था कि हमारे सूर्य परिवार के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सन हमारी फैमिली का हेड है और बाकी जो 8 प्लैनेट्स है उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, और गैलेक्सी के बारे में बताया था. ठीक है जी, गैलेक्सी क्या होती है, जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं. और स्टार्स के बारे में बताया था, तारों के बारे में बताया था कि जो हमारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, आकाश में वो तारे बोला जाता है. इनके पास अपनी हीट और लाइट भी होती है. ठीक है जी, आज अप्पा करेंगे कंस्टेलेशन. कंस्टेलेशन क्या होता है, तारों का समूह. कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ सर्टेन इमेजिनरी शेप इज कॉल्ड अ कंस्टेलेशन. कहते हैं जो तारों का ग्रुप होता है, जो ये एक अपनी इमेजिनरी मतलब ये काल्पनिक शेप बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंस्टेलेशन भी कहते हैं. कहते हैं हमारे मतलब इसके एक एग्जांपल है, हमारे अर्ली ग्रीक्स कहते हैं एज वेल एज इंडियन एस्ट्रोनॉमर, कहते हैं हमारे जो पहले वाले एस्ट्रोनॉमर्स थे वो इमेजिन किया करते थे, कल्पना किया करते थे कि जो कुछ तारों के समूह हैं, ठीक है जी, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, मतलब ये हमारे पूर्वजों मतलब हमारे भगवान जैसे दिखाई देते, जैसे कि ओरियन द हंटर गॉड, जिसको ये क्या नाम देते थे, ओरियन. कहते कि ये हमारे हंटर गोड जैसा दिखाई देता है. एंड जो सात तारों का समूह दिखता था, जिसको वो सप्तऋषि के नाम से जानते थे, और IAU ने कहते हमारे 88 कंस्टेलेशन फाइंड भी किए हैं, जिसके अंदर जो 48 हैं, ठीक है जी, जो 48 हैं इसको क्या बोला था, एंशियंट ग्रीक्स एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा ही आइडेंटिफाई किया हुआ माना जाता है. सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी कि सूर्य परिवार. द वर्ड सोलर इज ड्रीव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोल. कहते जो सोलर वर्ड है, ठीक है जी, लैटिन भाषा के शब्द सोल से लिया गया है, मीनिंग द सन, जिसका मतलब है सूर्य. सन इज द हेड ऑफ फैमिली, जिसके अंदर सूरज है, हमारी फैमिली का हेड होता है. ऑल प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज मूव अराउंड द सन, जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी, और अदर बॉडीज हैं सूरज के आसपास क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं. सन, सन इज द मीडियम साइज स्टार पॉपुलरली नोन एज येलो ड्वार्फ. कहते हैं सन हमारा मीडियम साइज का स्टार है. आपको पता ही कि जो सन है वो भी एक स्टार है, लेकिन सन हमें आकार भी इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के क्लोज है, ठीक है जी, और इसको येलो ड्वार्फ के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये अर्थ का सबसे पास वाला स्टार है. इट, ठीक है जी, लाइट फ्रॉम सन टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ. जो हमारे पास सूरज की रोशनी है, कहते वो हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है जी, नियर अबाउट 8 मिनट के अंदर हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचती है. सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. जो सन है हमारा किससे बना हुआ है, हॉट गैसेस से बना हुआ है. इट इज कम्पोज, कहते हैं इसके अंदर गैसेस हैं, हाइड्रोजन 71% पाई जाती है, हेलियम दैट इज अ 28% एंड 1% अदर गैसेस पाई जाती हैं. द सन सरफेस टेम्परेचर, कहते जो हमारा सूरज है, कहते उसकी सतह का जो टेम्परेचर है इज अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस. कहते 5500 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट माना जाता है. उसके बाद आता है प्लैनेट. प्लैनेट इज ड्रीव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है जी, प्लैनेट्री. कहते जो हमारा प्लैनेट यानी कि ग्रहण, ग्रहण शब्द, कहते ये हमारा ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग है प्लैनेट. प्लैनेट मीन्स वांडर, घूमने वाला, ठीक है जी. जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं. दे डोंट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, इनके पास अपनी कोई भी रोशनी और गर्मी नहीं होती है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, ये किसकी लाइट से चमकती हैं, सूरज की रोशनी से ही हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, हमारे अर्थ पे 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के अंदर. दैट इज अ मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड अ नेपच्यून. ठीक है जी, मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था. जो मरकरी है ये हमारा हॉटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. वीनस हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है. ऑन विच प्लैनेट वी लिव, आपा कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ. विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है, मार्स को. विच इज़ आर लार्जेस्ट प्लैनेट, दैट इज़ आ जुपिटर. विच प्लैनेट हैज़ रिंग अराउंड इट, हमारे कौन से प्लैनेट के आसपास रिंग होती है, दैट इज़ आ सैटर्न. एंड विच प्लैनेट्स आर नोन एज कोल्ड प्लैनेट, कहते कोल्डेस्ट कोल्ड प्लैनेट के नाम से कौन से प्लैनेट जाने जाते हैं, दैट इज़ आ यूरेनस एंड आ नेपच्यून. एंड
कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, कहते इनकी क्या है सेम, कहते शेप, कहते जो सारी प्लैनेट्स हैं ना उनकी जो शेप है क्या है, स्पेरिकल है, ठीक है जी। डिस्टेंस, ऑल द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ देन सन, ठीक है जी। मतलब कहते जो सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी, वो अर्थ के ज़्यादा क्लोज हैं सन से। मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, रोटेशन क्या होती है, जब हमारी अर्थ होती है रजे, अब जब वो एक्सिस के आसपास चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, जब हमारी जो अर्थ होती है वो सन के आसपास अपने फिक्सड टाइम के अंदर चक्कर लगाती है तो उसको अपन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर सीजन काउज होते हैं, जैसे कि विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग सीजन आते हैं, वो उसमें हमारी जो अर्थ है अपनी रेवोल्यूशन है 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। नाउ यू हैव टू रीड दिस थिंग्स केयरफुली, अब आपने इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।